जिससे बबू ठंडा हो जाता था, और ये कोई चमत्कार नहीं है। हम लोग तो इनके जबरदस्त निकालिए, इनको घर के बाहर निकालिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। काहे चिंतित है भौजी, तू बाबा के मुंह पे पैसा और दिमाग पे धमकी का ताला लगाए हैं हम। अरे नहीं खुलेगा, तू कौनों को बताएगा नहीं कि सब प्लानिंग जो था आपका था। देवर जी, हम जानते हैं हमको उसका चिंता नहीं है, हमको पता है कि इस सब चीज में ना आप बहुत माहिर हैं। छुटका पापा, आज वो फुआ का प्लानिंग फेल नहीं होता अगर वो कानून वाली बीच में नहीं आती। बाकी अब जैसा संजोग बन रहा है ना, उसको देख के हमको तो लगता है कि अगर वो 6 महीना यहाँ रह गई ना, तो हम लोग को नया पता ढूंढना पड़ेगा। हम बता रहे, हम लोग नहीं रह पाएंगे। तुम्हारा जबान पे जो है वो अच्छा शब्द नहीं बढ़ता है का? जब देखो तब अब सगुने निकालती रहती हो। 6 महीना, अरे 6 महीना हम उसको टिकने देंगे तभी ना पति हमको घर से बाहर निकालेगी। बात और है, कल हमारा जो है सारा प्लान फेल हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा दुलरिया। रागिनी और सृष्टि को जो है ना, हम तो कैसे भी करके घर से बाहर निकाल कर आएंगे। अरे रागिनी का चिंता काहे कर रही हैं आप? आपका समस्या ना वो रागिनी नहीं है, वर्तमान में आपका समस्या है सृष्टि। कहे से कि सृष्टि का दिमाग ना बहुत तेज चल रहा है आजकल। अभी जो पूरा आपका प्लानिंग चौपट हुआ है ना, उस सृष्टि के कारण ही हुआ है। आप जो कह रहा ना देवर जी, हम एकदम ही समझ रहे हैं। लेकिन ये रागिनी को जो है हम छोड़ कैसे दे? उसको यहाँ रहने दिया हमारे बेटा के लिए। हम सोचे थे कि यहाँ रहेगी तो हमारा बेटा जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उल्टा जेठानी देवरानी में जो है वो याराना और दोस्ती बढ़ा जा रहा है। हम कुछ भी करके ना इस सृष्टि और रागिनी को इस घर से निकाल बाहर फेंकेंगे। कह के अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है। हम कुछ भी करके ना इस सृष्टि और रागिनी को इस घर से निकाल बाहर फेंकेंगे। जो भी नहीं है, हम तुम्हारी माँ है और तुम हमारी। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती, और विशु की भी नहीं। बल्कि सच तो यह है कि आप किसी की माँ नहीं हो सकती। एक माँ अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं सोचती। बेटा, तुम जो कह रहे हो तुमको ना जरूर है कोनो गलत फहमे हुआ है। देखिए मेरी याददाश्त गई है, लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। यहाँ मुझे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैंने अपने कानों से कुछ सुना है कि आप रागिनी और सृष्टि को इस घर से बाहर निकालना चाहती है। बताइए, आप खुद बताइए कि ये सही है गलत? हमने ना मिस्टर जी से सारी बातें छुपा के बहुत बड़ा गलती की है। हम सारी बातें जाके उनको बता देते हैं अभी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी रागिनी। सृष्टि, इस घर का अच्छा बुरा इस सब के बारे में मिस्टर जी का पता होना उनका हक है। हम उनको सब बता देंगे कि हमारा शादी कैसा हुआ था, तुमने तलाक काहे मांगा था और उनको गोली खाई लगा। हम कह रहे ना देवर जी, आप समझाइए ना इनको।
ये सब करके आपको क्या मिलेगा? हाँ बोलिए मिस्टर अनुराग जी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम फिर मुझे कल शाम जैसे झूठ बोल दोगी। अब हम आपको कोई झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर तुम इनकी इतनी साइड क्यों ले रही थी? अनुराग जी, अब हम आपको शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बताएंगे। आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। आप आइए हमारे साथ। देवर जी रोकिए। अनुराग जी, अब दरअसल हमारे कहने पर विशु जी ने इन्वर्टर बनाया था। उसकी खुशी में रागिनी ने घर पर पार्टी रखी। पता नहीं का भर रही है हमारे बेटे के दिमाग में। इस सृष्टि का कुत्ती पिला रही है। अब आप ही बताइए, ऐसी कौन सी माँ होगी जिसका इन सब बातों से दिल ना दुखे? आपकी माँ बुरी नहीं है, बस हम दोनों से नाराज है। लेकिन सृष्टि, ये तो एक एक्सीडेंट था ना? एक माँ के नजरिए से वो हमारी लापरवाही थी। लेकिन रोज रोज ऐसे माँ का तुम्हें भला बुरा कहना कितना बुरा लगता होगा सृष्टि। अनुराग जी, बड़ों की गाली भी आशीर्वाद होती है। हमें आपकी माँ की बातों से बुरा नहीं लगता, वो हमारी भी तो माँ है ना। हमारी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए, और हमारा ये भी विश्वास है कि बहुत जल्द हम और रागिनी आपकी माँ का दिल जीत लेंगे। वो सब ठीक है, लेकिन सिस्टी माँ जो कुछ भी कर रही है वो सब। अनुराग जी, जो माँ कर रही है उन्हें करने दीजिए। बस एक बात को याद रखिए कि कोई भी माँ अपने बच्चों का अमंगल नहीं चाहेंगी। मामी को सृष्टि ने सब सच बता दिया है। गलती मेरी है। I'm sorry। मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। नहीं बेटा, हम तो तुमसे नाराज है ही नहीं, तुम माफी काहे का मांग रहा है? इसमें दोस्त तुम्हारा नहीं है। अपने बेटे को माफ नहीं करेंगे आप? बेटा, तुम ऐसा माफी मत मांगो है। चलो तुम बहुत ज्यादा मत सोचो, तुम कमरा में आराम करो। चलो बेटा। मिस्टर जी को ऐसा कहा बोली हो? एकदम अचानक से आग से चंदन हो गए। तुम फिर से कोई झूठ बोली होगा। अरे अगर बोली हो ना तो हमको बता दो, का है उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, समझ रही हो? झूठ क्यों, हमने सच बोला था। हमने उन्हें वो इन्वर्टर वाला किस्सा सुना दिया कि उस दिन हमारी वजह से विशु जी की जान खतरे में आई थी, इसलिए सासू माँ हमसे नाराज है। जमेगा तुम्हारा हमारा ना बहुत जमेगा पार्टनर, क्योंकि कहा है ना कि हम दिल से सोचते हैं और तुम जो हो अपने दिमाग से सोचते हो। अब वैसे थोड़ा बहुत दिमाग तुम्हारे पास भी है,
और थोड़ा सा दिल हमारे पास भी है। बिल्कुल है। अब तुम ठेकेदार को पैसे दी हो का? घड़ी घड़ी फोन कर रहा है हमको यूनियन वाला। नहीं, अभी हमने उसे पैसे नहीं दिए हैं। हम सोच रहे हैं कि पहले साइट पर जाएं, वहां सिचुएशन को समझें और फिर ही यूनियन वाले से बात करें, ठीक है ना? ठीक है। आप लोग यहाँ पर? मैडम जी, जब तक ठेकेदार जी का पैसा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ कोई काम नहीं करेगा। उधर यूनियन के लोग हमारे लोगों को डरा धमका रहे हैं। हम यहाँ पर काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि रागिनी दीदी का काम है, पर शायद कल से यहाँ पर हम भी नहीं आ पाएंगे। आपको पैसे नहीं मिले? जी नहीं। आपने सृष्टि जी, हम बैंक गए थे लेकिन उस बैंक मैनेजर ने हमको पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि अपने भैया को बुलाकर लाओ। सृष्टि जी, हम आपको बताना चाहते थे लेकिन घर में इतना सब कुछ चल रहा था कि हमको मौका ही नहीं मिला। अरे विशु जी, तो आपको हमें बताना तो चाहिए था ना। देखिए ना, पैसों की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हम जाकर लेकर आते हैं। सॉरी सृष्टि जी, आपने हमें एक बार काम कहा और हम वो भी ठीक से नहीं कर पाए। रुकिए विशु जी। हेलो। बहुत कानून आता है ना तुमको। मजदूर मेरा आदमी है, अगर तुम पैसे नहीं दी ना तो रोड पे आ जाओगी। देखिए, आप जो भी हैं तमीज से बात कीजिए। हम कह रहे हैं ना, तमीज से बात कीजिए। आप जानते नहीं हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। लिसन, हम वार्निंग यू। ऐसे कैसे लोग बात कर सकते हैं किसी से? रागिनी को बताती हूँ। विशु जी इतना अच्छे से काम कर रहे थे, उन्हें बेवजह उन्हें तकलीफ पहुंचा दी। उनका कॉन्फिडेंस तो और लो हो गया है। हमें कुछ भी करके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। आप आइए, सुनिए। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बैंक वालों ने हमें भी तो पैसे देने से इनकार कर दिया। शायद बड़ी अमाउंट है इसलिए बैंक वालों को कुछ फॉर्मेलिटी करनी होगी, लेकिन अब पैसों के बारे में कुछ और सोचना होगा। विशु जी, आप इतने नर्वस क्यों लग रहे हैं? सृष्टि जी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। हम पहली बार बैंक गए थे ना, शायद इसलिए पैसे नहीं निकाल पाए, पर हम डर भी गए थे। विशु जी, तो हम भी तो ये सब पहली बार ही कर रहे हैं। एक औरत होने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? डर के काम छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं सृष्टि जी, काम तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हम अपने डर का क्या करें सृष्टि जी। अब आइए, आप बैठिए। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हमें जिंदगी में डर ही ना लगे। जी, हम सबको डर लगता है, हम सब मुश्किलों में घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम बहादुर होने की एक्टिंग भी करें ना तो भी हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है। बहादुर बनने की एक्टिंग? कैसे करेंगे एक्टिंग? गुड क्वेश्चन। सृष्टि जी, ये आप क्या करने वाली हैं? हाय शा
तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो क्या ऐसे क्या देख रही हो शिशि जी? आप तो क्या रागिनी सुनो, जरा यहाँ ना मेरे पास, कुछ तुमसे कुछ बात करनी है। चाची को क्या हुआ है? ये तो मिनट मिनट पर नरम गरम हो रही है। नीचे गरम, अब नरम है। कुछ भी हो, मिस्टर जी जब प्रेम से बुलाते हैं ना तो हमारे मन में हारमोनियम बजने लगता है। रागिनी, वो मैं अपने हनीमून के बारे में सोच रहा था। मिस्टर जी आपको बताए थे ना कि हमारा हनीमून हुए नहीं पाया था। आप अपना दिमाग में इतना जोर मत डालिए, अब इस बारे में ना आपको कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम दोनों हनीमून पे जाने वाले थे ना, तो कहाँ जाने वाले थे हम दोनों? कौन सी जगह थी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले थे। वो मिस्टर जी जहाँ सब लोग जाते हैं ना, हम लोग भी वहाँ ही जाने वाले थे। वो कहाँ जाने वाले थे? पहाड़ वहाड़ पे कहीं जाने वाले थे मिस्टर जी हम। हाँ, पहाड़ पे। पहाड़? हाँ। तो वो पहाड़ का कुछ नाम? नाम? हाँ नाम है तो सही। वो नाम का नाम है वो, आप तो भूल गए ना, आपको कैसे याद होगा। वो ससुरा देखो हमारे दिमाग से निकल गया। वो शिमला मिस्टर जी, हम शिमला जाने वाले थे। हम दोनों हनीमून पे शिमला? आर यू श्योर हम दोनों शिमला जाने वाले थे? हाँ हाँ, वो वही ना, पहाड़ वहाड़ होता है और पता है वहाँ पे बारिश भी होता है। कितना बर्फीला जगह है ना वो शिमला। हम तो पूरा तैयारी करके बैठे थे, ऊनी कपड़ा, रजाई, मोजा, सब तैयारी कर लिए थे हम। लेकिन फिर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना, सब कैंसिल हो गया। अगर हम शिमला जाने वाले थे तो फिर ये लंदन की टिकट्स, वो भी मेरे और तुम्हारे नाम की, ये कैसे? ये हमारे बीच कभी नहीं हो सकता।